मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने पड़ी है रंग बिरंगी सवैयाँ। यस गाइस, आज मैं बना रही हूँ सवैयाँ, वो भी रंग बिरंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि झटपट कैसे बन जाएगी, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो गाइस प्लीज़ उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे ऑयल से। सबसे पहले मैंने 3-4 टेबलस्पून जो है वो अपने ऑयल के लगाए हैं और इस ऑयल को मैं अपने पैन के चारों तरफ इस तरह से फैला दूंगी। अच्छा गाइस, उसके बाद मैं इसमें सवैयाँ डालूंगी और जो सवैयाँ मेरे पास हैं वो है सी गाइस, मेरे पास कलरफुल सवैयाँ हैं और ये मैंने लिया है तकरीबन 1 पैकेट। आप अब देख लीजिएगा, बस मैंने पूरा 1 पैकेट लिया है, यानी कि 200 ग्राम के करीब जो है ये मैंने रंग बिरंगी अपनी ली है सवैयाँ। तो इसको मैंने डाल दिया है पैन में 3-4 टेबलस्पून ऑयल के साथ। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके गाइस, इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो ऑयल के साथ इसको मिक्सअप करूंगी, ठीक है, यानी कि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। गाइस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप को सबसे ज्यादा कौन सी सवैयाँ पसंद आती है, जो सिंपल सवैयाँ होती हैं वो या फिर रंग बिरंगी सवैयाँ। गाइस ये सवैयाँ जो हैं वो जैसे कभी आपने कोई जर्दा या मतंजन अगर आपका दिल कर रहा है बनाने का, तो उसकी बजाय आप ये रंग बिरंगी सवैयाँ बना सकते हैं। तो चलिए गाइस इसके अंदर जो है वो मैं पानी ऐड कर रही हूँ। गाइस इसके अंदर मैंने पूरा 1 कप जो है वो पानी का ऐड किया है। अभी मैं चेक करूँगी, शायद मुझे और ज़रूरत पड़ेगी पानी डालने की, लेट मी चेक के ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। ओके गाइस इसके अंदर ज़रूरत है मुझे, आधा कप मैंने और ऐड किया है पानी का, ठीक है। अब मैं इस पानी के साथ इसको पका रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। गाइस शुगर बिल्कुल आपके मुताबिक, जैसे आप चाहें आप डालें, अगर ज़्यादा खाना चाहते हो तो ज़्यादा डालें, कम खाना चाहते हो तो कम डालें। मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। गाइस अगर आप मीठा कम खाते हैं तो बेशक आप कम डालें, इस अप टू यू, जितना मर्जी आप डालना चाहते हैं उतना आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और इसके लिए साथ ही मैं जो है अपना ढक्कन वो बंद कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। ये मैंने कुछ साइड पे जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, इट्स अप टू यू, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने यही ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, आप चाहें तो अपने मर्जी से डाल सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स। गाइस ये देखिए अभी जो सवैयाँ हैं वो अच्छे तरीके से पक रही हैं, इसको पकने देंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से पक नहीं जाएंगी, और जब ये पक जाएंगी तो इसके अंदर मैं जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि जो हमारी सवैयाँ हैं वो कच्ची ना रह जाएं, ठीक है। ओके गाइस ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से हमारी सवैयाँ हैं पक चुकी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है इसके अंदर जो है वो मैं ड्राई फ्रूट्स जो मैं ऐड कर रही हूँ वो सारे मैं इसमें डाल दूंगी। बस गाइस आप देखिए मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर देना है उसके बाद अच्छे से, और बस फिर क्या है, फिर इसको डिश आउट कर देना है। गाइस आप जब देखिएगा जैसे पानी खुश्क हो जाएगा ना और ये रंग निकाल लेंगे सवैयाँ अच्छे तरीके से, इसका मतलब ये है कि ये पक चुकी हैं अच्छे तरीके से। तो ये ऑलरेडी रेडी हैं हमारे पास और चलिए मैं इसको थोड़ी देर तक जो है इसको डिश आउट कर दूंगी। ओके गाइस ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इतने मज़े के इसका कलर आया है। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको मेरी आज की ये रंग बिरंगी सवैयों की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। गाइस इसी की दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
मेरे दिल में बल्जे बोला तू नूर ईमान, मेरे दिल